चोट की वजह से पिछले कुछ समय से क्रिकेट से दूर चल रहे भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पिछले दिनों स्पेन की राजधानी मैड्रिड में थे, जहां हिटमैन ने एल क्लासिको मैच देखा। और इस बारे में उनका कहना है कि स्टेडियम में एल क्लासिको का मैच देखना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। सीमित ओवर प्रारूप में भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने बीते रविवार को मैड्रिड के सोटियागो बर्नुवो स्टेडियम में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच एल क्लासिको मैच देखने के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी फुटबॉल स्टेडियम में कोई मैच नहीं देखा था, मैंने इसे टीवी पर देखा था, इसलिए यहाँ मैच देखना मेरे लिए किसी सपने की तरह था। इसलिए यहाँ आकर बचपन से ही अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करने को लेकर मैं बेहद खुश हूँ, मैं और क्या उम्मीद करूँ। बता दें कि रोहित शर्मा 14 साल की उम्र से ला लीगा टीम रियल मैड्रिड के प्रशंसक हैं, जिसने हाल में हुआ एल क्लासिको मुकाबला 2-0 से अपने नाम किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से वो खेलते हैं उसकी मैं वाकई में सराहना करता हूं, मुझे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोई भी फुटबॉल देखता है वह इस ऐतिहासिक क्लब के कद को जानता है। ला लीगा में खेल के स्तर को लेकर रोहित ने कहा कि मैं लंबे समय से ला लीगा को देख रहा हूं, लेकिन ला लीगा के बारे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वह है सभी टीमों के बीच की प्रतिस्पर्धा। फुटबॉल बेहद दिलचस्प खेल है और एल क्लासिको ऐसा मैच है जिसमें हर कोई आगे रहना चाहता है। हालांकि रोहित को मैड्रिड घूमने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने मैड्रिड के अपने छोटे दौरे का वाकई में लुत्फ उठाया और मैच देखने का उनका अनुभव शानदार था। मालूम हो कि रोहित भारत में ला लीगा के दूत भी हैं और एल क्लासिको मैच के दौरान रियल मैड्रिड टीम के निदेशक एमिलियो बटरगिनो सांतोस ने यह जर्सी रोहित को दी। टीम के निदेशक एमिलियो बटरगिनो सांतोस ने उन्होंने टीम की आधिकारिक जर्सी भी दी थी। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।